बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। एक तरह से केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार को हिला देने वाली खबर है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो संगठन है, इन्होंने कहा है कि भारत में जो कुछ पहलवानों के साथ हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए है, और पुलिस ने 28 तारीख को जो कुछ पहलवानों के साथ किया तो उन सब चीजों को लेकर जो संगठन है UWW, ये भारतीय पहलवानों से बात करेगा। तो बताओगे इसके बारे में? जी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो सबसे बड़ा संगठन है, उसने एक नोटिस जारी किया है मंगलवार को, जिसमें साफ तौर से कहा है कि वो पहलवान जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले दिनों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे वो बात करेगा बुधवार या बृहस्पतिवार को। और अच्छा साथ में ये भी कहा है कि जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो उस पर नजर बनाए हुए है, और जो 28 मई को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को घसीटा, इनको हिरासत में ले लिया, और जहां ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां से इनके तंबू और टेंट वगैरह को उखाड़ दिया, तो इस चीज को भी संज्ञान में लिया है। अच्छा तो इस पर काफी ज्यादा सख्त रुख अपनाया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, और जो इनकी समस्याएं हैं खिलाड़ियों की और जो मांगे हैं, क्योंकि खुद जो मौजूदा सरकार है उसी वो तो इस पर एक तरह से ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अब इसमें दखल दिया है UWW ने कि उनकी अच्छा परेशानियों को और समस्याओं को सुनेगा। और उन्हें तो ये तक बात कह डाली थी कि जो भारतीय कुश्ती संघ है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अच्छा ये ऐसी खबर है जिससे पूरा जो देश है वो एक तरह से वो हिल जाना चाहिए कि जो बाहर का एक संगठन है विदेश का वो इसमें अब दखल दे रहा है।